सो गाइज गुड मॉर्निंग फ्रॉम गंडीकोटा, और आप देख सकते हो कितना भारी व्यू है। पूरा रूम से भी ये मस्त व्यू था, रोड भी अच्छा है। उधर में थोड़ा ऑफ रोड में पैश था आते वक्त कल। सो अभी 8 बज चुके हैं और मैं निकल गया हूँ चेन्नई के लिए। चेन्नई ऐसे गूगल मैप पे 7 hours 30 minutes के अराउंड दिखा रहा है, 340 kilometers। तो इवनिंग से पहले पहले पहुँच जाना है चेन्नई, देखते हैं कैसे होता है रास्ता, कैसे क्या है। अगर सब सही रहा तो कल के जैसा जल्दी जल्दी करके पहुंच जाएंगे, उसके बाद में डिसाइड करते आगे क्या करना है। अपने ग्रुप के जबिन भाई है चेन्नई में, उन्होंने बोला है कि मेरे प्लेस पे आ जा, पहले चेन्नई पहुंचते ही साइट सीन वगैरह कर लेना, थोड़ा मरीना ब्रिज वगैरह घूम लेना, और उसके बाद में रूम पर आना। सो गाइस अभी मैं यहाँ पर कड़प्पा में रुका था, एक पंजाबी रेस्टोरेंट था, वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया, पराठा वगैरह खाया, मज़ा आ गया। लद्दाख के बाद 1 साल बाद अभी पराठा खाया हूँ मैं। 2-3 दिन से साउथ इंडियन इडली वड़ा ही वही खा रहा था, तो मैं सोचा आज थोड़ा पराठा वगैरह खाएंगे। तो ये इधर कड़प्पा सिटी है, यहाँ पे कड़प्पा माइनिंग वगैरह होता है, बट वो मैंने पूछा लोकल्स को पर उनको कुछ आइडिया नहीं कहाँ पे एग्जैक्ट। तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे को और अभी 250-300 kilometers जाना है चेन्नई। तो मैं अभी चेन्नई के लिए निकल गया हूँ। व्यू काफ़ी मस्त है, क्लाइमेट एकदम सही है, ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है, तो अभी और 100 kilometers तो कोई ब्रेक नहीं लूँगा। तो चलते हैं, कुछ रास्ते में अच्छा दिखाता हूँ आपको। तो गाइस कड़प्पा से थोड़ा आके एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट था, और मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से फॉरेस्ट रोड चालू हो रहा है, ब्लैक स्पॉट अहेड वगैरह, सिंगल लेन रोड है, और ट्रैफिक का इंटेंसिटी भी बढ़ गया है कड़प्पा से आगे आने के बाद। कड़प्पा के पहले एकदम लाइट ट्रैफिक था, देखते हैं अभी आराम से अपना साइड पकड़ के चलना है। हाईवे बोल रहे तो थे, मतलब 4-lane हाईवे है, बट ये तो सिंगल लेन हाईवे है। देखते हैं आगे जाके तिरुपति वगैरह के लिए बीच में लगेगा हाईवे। तो पहले रामपेट ऐसे कोई तो सिटी है वो लगेगा, फिर उसके बाद में तिरुपति आएगा, देन रेनीगुंटा, आई थिंक रेनीगुंटा पहले है शायद तिरुपति से, और फिर चेन्नई। दो मेरे को अभी MH के कार दिखे, वो भी मेरा MH देख के मेरे पीछे पीछे चल रहे थे, MH 23 थे। थोड़ा अभी हिली रीजन चालू हो गया है, प्लेन टेरेन खत्म हो गया है, देखते चलो आगे और क्या है क्या नहीं। आज से मेरे ख्याल से घाट सेक्शन स्टार्ट होता है, इधर रिवर या लेक है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, और वो आप देख रहे होंगे उधर तो रेलवे का लाइन है। रोड ये वाला थोड़ा बीच में ख़राब है, ख़राब इन द सेंस पूरा ऐसा पोर्टल वगैरह नहीं है, बट ऊबड़ खाबड़ रोड है और सिंगल लेन है, उसका ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइस अभी मैं थोड़ी देर में तिरुपति पहुंच जाऊंगा। रोड ऐसे ही सिंगल लेन ट्रैफिक है, थोड़ा मतलब रिस्की रोड है, टफ है यहाँ पे राइड करना, बट मज़ा आ रहा है, थोड़ा सीनिक है, और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था पीछे, अभी थोड़ा लाइट हो गया ट्रैफिक। अभी थोड़ा ही मेरे हेल से 20-21 kilometers बचा हुआ है तिरुपति को एक बार क्रॉस कर लेता हूँ, उसके बाद में थोड़ा ब्रेक लेंगे। अभी टाइम हो गया है 12:12, मैं निकला था 8 बजे, मतलब 9, 10, 11 3 घंटे हो गए, 3-4 घंटे हो चुके हैं मेरे को निकल के, और किलोमीटर हो गया है 188, उसमें से मैंने 45 minutes का ब्रेक लिया था जैसे कि मैंने बताया, और अभी भी बीच में पेट्रोल पंप के यहाँ पे रुका था थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए। थोड़ा धूप बहुत टायर्डिंग फील करा रहा है, धूप की वजह से बहुत टायर्ड है।
मैंने जस्ट बाईपास किया तिरुपति को, यहाँ से चेन्नई है 120 किलोमीटर, और थोड़ा ऐसा इस तरह का फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो गया है। बीच में सिंगल लेन होता है, फिर डबल लेन हो जाता है। आई नीड टू टेक ब्रेक, बट कुछ मिल रहा नहीं है रास्ते में, पूरा रास्ता खाली है। देखते आगे कुछ मिलेगा तो ब्रेक ले लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि नॉन स्टॉप मोर देन 100 किलोमीटर राइड कर रहा हूँ। अभी टोटल किलोमीटर हो गए 223, टाइम हो गया है 12:48 PM। सो गाइस, ऑल द वे राइडिंग फ्रॉम गंडीकोटा टू चेन्नई आफ्टर राइड ऑफ 400 किलोमीटर्स, आई हैव रीच्ड चेन्नई। क्लाइमेट इज सो मच हॉटी, सो फाइनली मैं मारियाना बीच पहुंच चुका हूँ चेन्नई के। काफ़ी गर्मी है, यू कैन सी माई टैनिंग फेस, सो आई विल शो यू द बीच नाउ। सामने बाइक पार्क किया है, पेरेंट पार्क है, ब्यूटीफुल बीच, लेस पीपल, बट भाई पार्किंग से पानी बहुत अंदर है, एयरपोर्ट चल के जाना पड़ेगा। तो गाइस ये है मारियाना बीच और हम यहाँ पे कर रहे हैं चिल। बढ़िया बीच है, उस तरफ पे लाइट हाउस है और वहाँ पे स्ट्रेट में वहाँ पे एक शिप, दो शिप नहीं, एक दो तीन तीन शिप भी दिख रहा है इधर, शिप का यार्ड कोई तो कुछ तो दिख रहा है वहाँ पे, वैसे समझ नहीं आ रहा। और ये साइड लाइट हाउस है, बट वो काफ़ी दूर है और अपने पास सामान है तो इतना दूर जा नहीं सकते। ये हम एक के नीचे वन क्या बोलेंगे इसको, और ये बंद हाथ गाड़ा जो बोलते हैं अपने आप में की भाषा में, उसके नीचे के छाव है यहाँ पे क्योंकि धूप बहुत तेज है। और बढ़िया बीच है, फ्रूट्स वगैरह खाया मैं अभी, थोड़ा पानी भी नहीं पिया, चील कर रहा हूँ। अभी यहाँ से जाएंगे जबिन भाई के यहाँ पे। भाई साहब इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना चेन्नई में कि बता नहीं सकता। मतलब पुणे में मैं सोचता था सबसे ज़्यादा है, बट आज चेन्नई का देख लिया। तो ट्रैफिक में दिखाना चाह रहा था पर इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था मैं, क्या ही फिर देखोगे और ट्रैफिक में। अभी यहाँ से जबिन भाई के यहाँ जाना है, वहाँ जाने के लिए भी फुल ट्रैफिक लगने वाला है। मतलब 1.5 आवर का रास्ता दिखा रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे चिल करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। अभी मैं आपको रास्ते में ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं दिखाऊंगा, सीधा जबिन भाई के यहाँ पे जाके मिलेंगे। ओके, सो गाइस कल का व्लॉग एंड करना भूल गया मैं। कल लगभग मैं 7:30 के आसपास जबिन भाई के प्लेस पे पहुँचा हूँ, जो मरीना बीच से 55 किलोमीटर्स दूर था। और भाई साहब इतनी बुरी तरह ट्रैफिक थी, टोटल 55 किलोमीटर ट्रैफिक थी। मेरे को लगभग 2 आवर्स के ऊपर हो गया 55 किलोमीटर का ये कवर करने के लिए। और फाइनली फिर मैं यहाँ पे पहुँच गया। पहुँचने के बाद काफ़ी दिन के बाद जबिन भाई वगैरह मिले तो बातें वगैरह सब चल रही थी, इसलिए व्लॉग एंड करना भूल गया। तो बाकी राइड तो बेस्ट था, सिर्फ चेन्नई का ट्रैफिक मतलब खतरनाक। मैं सोचता था कि पुणे का ही ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये पुणे का डबल ट्रिपल ट्रैफिक है। तो बस यही था, अभी आज जाऊँगा महाबलीपुरम और पांडिचेरी। तो आपको अपडेट बाइक पर जाने के बाद देता हूँ, बाकी अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो जो पांडिचेरी और रामेश्वर महाबलीपुरम का नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, तो सब्सक्राइब करो चैनल तब तक और लाइक और शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दिस इज टूरिंग गॉड साइनिंग ऑफ।